नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं में डलने वाले इन तीन उर्वरकों के बारे में। यह कब डालें और इनका डालने का सही समय क्या है जानेंगे पूरी जानकारी, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। गेहूं में पहला उर्वरक जो NPK 13045 के नाम से जाना जाता है, इसका स्प्रे हम जब हमारी फसल में नाइट्रोजन की कमी हो या पत्तियों में पीलापन दिखाई दे तब हम इसका स्प्रे करते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन 13% और पोटास इसमें 45% होता है। और इसका डोज प्रति एकड़ 1 से 1.5 किलो स्प्रे किया जाता है। तो अगर आपकी फसल में आपको पीलापन दिखाई दे या नाइट्रोजन की कमी हो तो आप इस उर्वरक का स्प्रे कर सकते हैं। यह भी आपकी फसल के दानों का साइज़ बढ़ाने में और फसल की जड़ों को मजबूत करने में सहायता करता है। यह भी एक अच्छा उर्वरक है हमारी गेहूं की फसल के लिए। हमारी फसल में दूसरा उर्वरक जो स्प्रे किया जाता है यह भी NPK 19-19-19। इसका प्रयोग हम नाइट्रोजन के साथ भी कर सकते हैं। जब हम इसमें नाइट्रोजन डालते हैं तब इसका स्प्रे भी 45 से 50 दिन के समय किया जाता है। लेकिन अगर आपकी फसल में नाइट्रोजन की कमी हो, पत्तियों में पीलापन हो, तब आप भी इस उर्वरक का स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 19%, फास्फेट की मात्रा 19% और पोटास भी इसमें 19% होता है। इसका डोज भी 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे किया जाता है। अगर आपकी फसल में पीलापन हो तब आप इस उर्वरक का स्प्रे कर दें। यह भी आपकी फसल को दानों की चमक बढ़ाने में, उसका साइज़ बढ़ाने में और जड़ों को मजबूत करने में यह भी एक अच्छा उर्वरक होता है। हमारा मोस्ट पॉपुलर NPK 0534, जिसका स्प्रे बहुत से किसान भाई करते हैं, इसमें फास्फेट 52% और पोटास 34% होता है। इसका स्प्रे भी बालियां निकलते समय या बालियां बनते समय हम कर सकते हैं। इसका स्प्रे हम 1 से 2 बार या 3 बार भी कर सकते हैं। यह भी एक अच्छा उर्वरक है। इन उर्वरकों की अवधि 15 से 20 दिन तक होती है, तो आप निकलते समय जब आपकी फसल में बालियां निकलें तब इसका स्प्रे कर दें, जिससे आपको आपकी फसल में बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसका डोज भी 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे किया जाता है। यह भी आपकी फसल की जड़ों को मजबूत करने में, उसका दानों का साइज बढ़ाने में और उत्पादन को बढ़ाने में एक अच्छा उर्वरक माना जाता है। तो आप इसके अलावा अपनी फसल में गवोट के समय आपको सिंचाई अवश्य करनी है, क्योंकि यह एक ध्यान देने योग्य बात होती है। क्योंकि अगर हम हमारी फसल में गवोट के समय स्प्रे नहीं करते हैं तो बालियां जल्दी निकल आती हैं और वह ठीक से बन नहीं पाती हैं, जिससे उनका दानों का साइज भी हमें छोटा देखने को मिलता है। तो आप पहले सिंचाई कर दें, उसके बाद इन तीनों उर्वरकों में से जैसा आपकी फसल में आवश्यकता हो उसके अनुसार आप इन तीनों उर्वरकों में से किसी का भी स्प्रे कर दें। आशा करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।